हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज है 25 अप्रैल 2019 और आज से करंट अफेयर रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इसी में से जो एमसीक्यू निकल सकते हैं उसी के बारे में आज मैं आपके समक्ष क्वेश्चन एंड आंसरिंग करने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक बात करना चाहूँगा कि मैंने कल आपसे जो वीडियो अपलोड किया था उसमें दो मिस्टेक रह गई है मेरे से, गलती से। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या गलती है वो मैं आज मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने सातवें क्वेश्चन में ईस्टर संडे कब मनाया जाता है और उसी में चार ऑप्शन दिए थे, मैंने बोला सही था लेकिन ऑप्शन टिक किया था ऑप्शन डी, लेकिन इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि ईस्टर संडे हर साल जो गुड फ्राइडे होता है और उसी के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है, और इसका सी आंसर सही था। और दूसरी एक मैंने गलती कर दी थी कि टाइटन जो चंद्रमा है वो किस ग्रह का चंद्रमा है, तो वो शनि ग्रह का चंद्रमा है, और काफ़ी दोस्तों ने इसे क्लेरिफिकेशन किया था और कमेंट में सही आंसर भी दे दिया था। तो ये मिस्टेक, आप यदि गलती रह गई है तो सुधार लीजिएगा और इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और अगली बार मैं फुल्ली प्रूफ के साथ, करेक्शन के साथ आपके साथ बात करूँगा। और यदि कोई मिस गलती रह जाती है तो मैं अगले दिन करंट अफेयर के वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, लेकिन इससे पहले आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर देखते हैं तो काफ़ी यूजर्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो है लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी निम्न में से किस खेल प्रतियोगिता से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, हाल ही में संतोष ट्रॉफी संपन्न हुई है और पंजाब में जो मेजबान देश था वो 0-1 से पिछड़ गया है और जो सेना की टीम थी वो इसमें जीत दर्ज की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, यानी कि जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल प्रतियोगिता से जुड़ी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं संतोष ट्रॉफी, और इसकी शुरुआत कब हुई थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 1941 में इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है, और हाल ही में फाइनल में सर्विसेज यानी कि सेना ने पंजाब को 1-0 से पराजित किया। और इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्षेत्रीय फुटबॉल संघ तथा सरकारी संस्थानों की टीम इसमें हिस्सा लेती है, और इस प्रतियोगिता का नाम भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष रह चुके संतोष के मन्मथ नाथ रॉय चौधरी, यानी कि संतोष यहाँ नाम आता है और उसी के नाम पर रखा गया है संतोष ट्रॉफी, और वो फुटबॉल से जुड़ी हुई है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, हाल ही में हमारे चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया है और उसका नाम रखा है वाटर टर्न आउट ऐप, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ हम यह ऐप के बारे में भी जान लेते हैं, यह ऐप हमें किस तरह फायदा करने वाली है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, वाटर टर्न आउट ऐप की मदद से मतदान के दौरान रियल टाइम में यह जाना जा सकता है कि वोटरों की संख्या कितनी है और कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, वो हम यह वाटर टर्न आउट ऐप की मदद से जान सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में ऐप का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाटर टर्न आउट। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में फ्रांस की एक कंपनी किस राज्य में 6 रिएक्टरों वाले परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने जा रही है। तो दोस्तों, हाल ही में फ्रांस की एक कंपनी है और वो हमारे भारत में 6 रिएक्टरों वाले परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने जा रही है, और वो स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के कौन से जिले में, तो उसी का नाम भी याद रखिएगा, जैतापुर। तो जी हाँ दोस्तों, जैतापुर में हाल ही में फ्रांस की एक कंपनी 6 रिएक्टरों वाला परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने जा रही है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में यूक्रेन में निम्न में से किसने राष्ट्रपति चुनाव जीता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने इमेज जानबूझकर रख दी है क्योंकि
इस व्यक्ति को आपको पहचानना है कि इस चार ऑप्शन में ये व्यक्ति ने ही चुनाव जीता है। तो दोस्तों हाल ही में यूक्रेन में जो चुनाव संपन्न हुआ है राष्ट्रपति का, उसी में यह अभिनेता है और वह कॉमेडी अभिनेता है और उसी ने ही चुनाव जीता है और उस व्यक्ति का नाम है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और बड़े ही मजे की बात यह है कि यह व्यक्ति जो टीवी सीरियल एक यूक्रेन में चलती थी उसका नाम था सर्वेंट ऑफ पीपल, और सर्वेंट ऑफ पीपल में यह अभिनेता ने एक ईमानदार हाईस्कूल के प्राध्यापक का रोल अदा किया था और वो आगे चलकर राष्ट्रपति बनता है। इस तरह की यह सीरियल थी और हाल ही में ये सपने साकार होते हुए दिख रहे हैं इस व्यक्ति को। तो यह व्यक्ति का नाम याद रखेगा वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जो हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति बने हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में ईस्टर के मौके पर हुए बम धमाकों के आलोक में आपातकाल लगा दिया गया? तो दोस्तों हाल ही में ईस्टर संडे, जो मैंने पहले भी बोला, जो गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को ईस्टर संडे बोलते हैं, और उसी दिन हाल ही में हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में जो सीरियल ब्लास्ट हुए हैं और इसलिए वहां आपातकाल लगा दिया गया। और बड़े ही दुखद बात यह है कि लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 500 से ज्यादा लोगों वहां घायल हुए हैं, इसीलिए वहां आपातकाल लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। छठा क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? और जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपसे बोलना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट डे ऑफ अप्रैल मंथ, ऐसा हमने जीके 2020 चैनल पर दो वीडियो अपलोड किए हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। इसमें आप सारे अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डे देख सकते हैं और इसी में यह क्वेश्चन हमने शामिल कर लिया है। तो विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यहाँ इस इमेज के जरिए आप एक और जानकारी जुटाना चाहेंगे कि 2030 तक हमारी भारत सरकार ने मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, और वो भी आपको याद रखना चाहिए, 2030 मलेरिया को भारत से खत्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लड़का ब्रिटेन का सबसे युवा अकाउंटेंट बना है? और जो आप इमेज में देख सकते हैं वो है भारतीय मूल का लड़का, वो बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। जो भारतीय मूल का लड़का है और वो ब्रिटेन में दक्षिण लंदन में सबसे युवा यानी कि कम उम्र वाला अकाउंटेंट बना है, और इस लड़के का नाम है रणवीर सिंह संधू, जो कद से बड़ा दिखता है लेकिन इसकी उम्र सिर्फ 15 साल है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे? तो दोस्तों हाल ही में जो तीसरा चरण संपन्न हुआ है और तीसरे चरण में 115 सीटों पर वोट डाले गए, जो सबसे ज्यादा सीटें थी, और ये सात फेज में जो चुनाव होने जा रहा है और उसी में अब होने वाला है फेज फोर। तो दोस्तों चौथे चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, 71 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और कब डाले जाएंगे? 29 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन, विद्या देवी भंडारी किस देश की राष्ट्रपति है? आप इमेज में देख सकते हैं विद्या देवी भंडारी, जो हाल ही में चीन देश के दौरे पर है और वो हाल ही में करंट अफेयर में होते के नाते यहां मैंने यह क्वेश्चन लिया है। विद्या देवी भंडारी नेपाल देश की राष्ट्रपति है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, और हाल ही में वह चीन के दौरे पर है। आगे बढ़ते हैं दसवां क्वेश्चन। निम्न में से कौन से दो देश आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त सीमा प्रतिक्रिया बल यानी कि बॉर्डर रिएक्शन फोर्स स्थापित करने पर सहमत हुई है? तो दोस्तों हाल ही में करंट अफेयर में है,
कल ही करंट अफेयर में था, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त बॉर्डर रिएक्शन फोर्स स्थापित करने का दोनों देशों के प्रतिनिधि ने ऐलान किया है, और वो दो देश के नाम है ईरान और पाकिस्तान। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और दो देशों के नेता ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, दोनों के बीच हाल ही में यह समझौता हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन। किस देश ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की और 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रामायण के विषय पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों, हाल ही में इंडोनेशिया ने हमारे भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों के बीच 70वें वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए यह विशेष डाक टिकट जारी किया है, और वो देश का नाम है इंडोनेशिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों में रामायण स्टेज पर रंगमंच पर बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये इसकी इमेज है, वो आप याद रखिएगा। टिकट जारी किया है 70वीं वर्षगांठ पर। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत दुनिया का कौन से नंबर का तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? जी हाँ दोस्तों, भारत है वो दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। और यह करंट अफेयर में क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने ईरान देश पर प्रतिबंध लगाया है कि जो देश चीन, भारत, जापान, ईरान से यदि यह तेल आयात करता है तो वहाँ जो अमेरिका है वहाँ प्रतिबंध लगाएगा। यानी कि उस देश की जो चीज़ें हैं उस पर डॉलर यानी कि टैक्स ज़्यादा लगाएगा। तो दोस्तों, हाल ही में यह करंट अफेयर में है, और इसी के तहत भारत दुनिया का तीसरे नंबर का तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, वो आप याद रखिएगा। और दोस्तों, कल के वीडियो का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत संविधान मान्य भाषाएं कितनी है, और लगभग सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है, और सही आंसर था ए ऑप्शन। और मैं आपको बताना चाहूँगा अगले वीडियो का क्वेश्चन, यानी कि यह क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है कि गरिया पूजा किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? जी हाँ दोस्तों, गरिया पूजा किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, जहाँ आप इमेज भी देख सकते हैं, और जो सेवन सिस्टर्स स्टेट है उसी में से एक आंसर आता है। तो दोस्तों, चार ऑप्शन में से एक सही आंसर चुनकर आपको मुझे आंसर देना है। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।